तो गाइस राम राम, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। घर पे ही मिठाई बनाएंगे तो उसके लिए मावा निकाल रहे हैं। भैंस का दूध है, कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी है और अब इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। जो पहले हमने दूध डाला था वो बढ़ के इतना दूध हो गया, जो कढ़ाई में आया नहीं था रख लिया था। अब जो बाकी का दूध बचा है वो अब मैं डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए हमारा दूध आधा से ज्यादा जल गया है, पानी था वो जल गया और मावा मावा रह रहा है अभी। तो ये कलर आया है इसका, अरे अभी घंटा पर रोग भी लग जाएगा इसमें, देखिए गाढ़ा होने लग गया है ना। इसको लगातार चलाते रहना पड़ता है कि नीचे तले में दूध नहीं लगे, इसलिए। अरे 10 केजी दूध था हमारा, अभी इसमें 4 या 5 केजी ही बचा है। आप एक बार बाजार का मावा खा के देखना और एक बार घर पे बना के और फिर उसकी मिठाई खा के देखना। एक तो बाजार की ही मिठाई और एक घर की ही बनी हुई मिठाई, दोनों में टेस्ट अलग अलग रहेगा और ये नुकसान भी नहीं करती, बाजार वाली तो नुकसान भी करती है। ये देखिए दूध हमारा कितना बच गया है और कितना गाढ़ा हो गया है दूध और कलर भी चेंज होता जा रहा है। अभी तो आध पौन घंटा और लग जाएगा इसमें मावा निकलने में। ये देखिए मावा हमारा बन के तैयार हो गया है, गैस हमने बंद कर दिया है, अब इसको ठंडा करेंगे। अभी हमने चीनी नहीं डाली है इसमें, पहले इसको थोड़ा ठंडा करेंगे फिर चीनी डालेंगे, फिर उसके बाद में फिर से इसको भून देंगे। मावा हमारा निकल गया है, मावा को हमने ठंडा भी कर लिया है और बिल्कुल परफेक्ट मावा बनाया है। अब इसमें मैं चीनी डालूंगी, मीठा आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, कम बत्ती चीनी डाल रही हूँ। तो लगभग ये 2.5-3 किलो मावा है और इसमें 800 ग्राम के लगभग चीनी। अब चीनी को और मावा को मिक्स कर लेंगे और इसको 5-6 मिनट के लिए भून लेंगे गोल्डन ब्राउन आई जब तक, और चीनी भी इसमें मैश हो जाएगी अच्छी तरह से। ये देखिए चीनी हमने डाल दी थी और इसको अब 8-10 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छी तरह से, और चीनी देखो बिल्कुल मिक्स हो गई है इसमें। इसका थोड़ा सा कलर और चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए जब तक भून लेंगे, ज्यादा भून लेंगे तो फिर मावा दूध छोड़ने लग जाएगा तो बर्फी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। चीनी हमारी अच्छी तरह से भून गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है देखो। और अब हमने गैस से कढ़ाई को नीचे उतार दिया है, अब इसको हम ठंडा करेंगे बर्फी जमाने के लिए और फिर बाद में पराठे में या फिर कोई ट्रे में, जैसे बर्फी जमाने वाली ट्रे है हमारे पास वैसे ट्रे ला सकते हो, ट्रे में या फिर अपनी जो पराठी होती है बड़ी बड़ी उसमें तेल लगा के रख लिया है। ये देखिए मावा हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है, अब हम इनको पराठियों के अंदर जमाएंगे। तो मैंने रिफाइंड तेल लगा रखा है पराठी में और रिफाइंड तेल इसलिए लगाया है कि अब सर्दी का मौसम है तो रिफाइंड तेल जमेगा नहीं, और देसी घी इसलिए नहीं लगाया कि ठंडा मौसम है तो वो घी जम जाता है, तो बर्फी हमारी अच्छी तरह से कटती भी नहीं है और उतरती भी नहीं है, वो रात के ही चिपक जाएंगे। तो आप ठंडी के मौसम में ये रिफाइंड तेल लगा लेना और गर्मी में बनाओ तो आप घी भी लगा सकते हो इसे। अब मैं 2 परात में निकालूंगी इनको तो फिर बर्फी जमाऊंगी। ये देखिए रात में मैंने इसको जमा दिया है, अब रात भर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ना फ्रिज में धरेंगे ना कुछ और, खुले में ही पोल के अंदर रख देंगे। अब ऐसे ही तेल मैंने दूसरी परात में लगा रखा है,
अब इसमें भी ये मावा डाल रही हूँ। ये देखिए हमने दूसरी पराती में भी अच्छी तरह से जमा दिया नमावे को, और आप इस पे चांदी का वर्क भी लगा सकते हो, ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। हम तो बस सिंपल ही बनाएंगे, बच्चे ड्राई फ्रूट खाते नहीं है और चांदी का वर्क भी नहीं लगाएंगे। मावा हमारा अच्छी तरह से जम गया है, देखिए अच्छी तरह से शाइनिंग आ गई है। और अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग आप कोई सी भी शेप में कर सकते हो, काजू कतली या फिर चौकोर में भी। कटिंग हमारी अच्छी तरह से हो गई है, देखिए मैं आपको एक फिश निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए अच्छी तरह से फिश निकल रही हैं और बिल्कुल सॉफ्ट बर्फी बनी है। देखिए बर्फी की हमने कटिंग कर दी है, और हमने दो परातियों में थे तो एक पराती में ही पेपर लगा के ऊपर नीचे रख दी है, और देखो कितनी अच्छी बर्फी बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है। आप भी एक बार ऐसी बर्फी बना के और मेरे को कमेंट करके बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। राम राम जी।